हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बीसीसीएल की ओर से यानी भारत कुकिंग को लिमिटेड की ओर से एक नोटिस निकाला गया है, जो कि जितने भी जनरल मैनेजर हैं हर एरिया के, उन सभी को ये नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में ये कहा गया है कि जितने भी माइनिंग सरदार हैं, जो भी ओबरमैनशिप सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी एक्वायर कर चुके हैं, जो कि DGMS से अप्रूव्ड होता है, और साथ ही साथ वैलिड फर्स्ट एड और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट जो कि वेरीफाई हो चुका है कोई अथॉरिटी से, वो अगर ले चुके हैं तो उनको ओवरमैन TNS ग्रेड बी वाला जो पोस्ट होता है उसके लिए उनको डिटेल जो है वो एम्प्लॉयज़ का वो जल्दी से जल्दी भेजिए कंपनी को। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ माइनिंग सरदार अगर हैं और या फिर अगर नहीं भी हैं, तो जो डिप्लोमा इन माइनिंग कर चुके हैं और ओवरमैन सर्टिफिकेट ले चुके हैं और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, ये चारों सर्टिफिकेट अगर किसी के पास भी है, अगर वो माइनिंग सरदार है तब भी, और अगर माइनिंग सरदार नहीं है तो डिप्लोमा किए हुए हैं तब भी, तो उन सभी का डिटेल जितना जल्दी हो सके वो BCCL के हेड ऑफिस में आप भेजिए। मतलब जितने भी एरियाज़ हैं उनको ये कहा गया है कि आप डाटा को कलेक्ट कीजिए और BCCL के हेड ऑफिस में ये आप भेजिए, ताकि प्रमोशन के विचार में, जो कैडर स्कीम के तहत प्रमोशन होता है, उसमें जो माइनिंग सरदार और ओवरमैन का पोस्ट बचा हुआ है उसमें डिपार्टमेंटल तौर पे प्रमोशन किया जा सके। तो ये बहुत अच्छी खबर है जो BCCL में जॉब कर रहे हैं उनके लिए, और बुरी खबर है जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो माइनिंग सरदार हो चाहे वो ओवरमैन हो। इसलिए बुरी खबर मैं कह रहा हूँ क्योंकि माइनिंग सरदार का कुछ दिन पहले ऐसा ही नोटिस निकाला गया था कि जो भी माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट रखते हैं और गैस टेस्टिंग साथ में साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट उनके पास है, तो उनका नाम मांगा गया था। अब ये नोटिस निकाला गया है कि जो ओवरमैन के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनका नाम मांगा गया है डिपार्टमेंटल तौर पर। तो इसका असर ये होगा कि जितनी भी वैकेंसी BCCL में माइनिंग सरदार की और ओवरमैन की थी, जितनी भी पोस्ट खाली होगी, उस पोस्ट में अगर वैकल्पिक व्यवस्था डिपार्टमेंटल तौर पे कर लेती है, फुलफिल कर लेती है, तो फिर कम चांस है कि BCCL में बाहर वाले कैंडिडेट, यानी जो बाहर से डिप्लोमा कर रहे हैं, जो BCCL में जॉब नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं या माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट ले चुके हैं, उनके लिए वैकेंसी नहीं बचेगी, या फिर अगर बचेगी भी तो बहुत कम वैकेंसी आएगी। तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है बाहर वाले कैंडिडेट के लिए। आपको बता दें कि BCCL का ये कहना है कि मेरे पास सरप्लस वर्कर है। सरप्लस वर्कर का मतलब होता है कि कंपनी में जितने वर्कर चाहिए होते हैं हर पोस्ट के, उससे ज़्यादा वर्कर मेरे पास हैं, तो इसी के लिए मैं वैकेंसी नहीं निकाल रहा हूँ, और उसके जगह पे मैं अपना डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो माइनिंग सरदार हैं और ओवरमैन जो ले चुके हैं सर्टिफिकेट, मैं उनको प्रमोशन दूंगा और उनको माइनिंग सरदार और ओवरमैन का पोस्ट में प्रमोट करके उनसे अपनी जॉब करवाऊंगा। तो ये BCCL का कहना है। लेकिन एक बात ऐसा है कि जितने भी सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड के, सभी सब्सिडरी कंपनी ऐसा करते आई है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का वैकेंसी तो निकालती है, साथ ही साथ कुछ पोस्ट का वैकेंसी वो बाहर वाले कैंडिडेट के लिए भी निकालती है, बट BCCL का ऐसा आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो पहले से बोल रही है कि मेरा सरप्लस वर्कर है। तो यही सब बातों को लेके, इसके अगर आप डिटेल में जाएंगे तो मोटा मोटी आप यही मान के चल सकते हैं कि BCCL ने अगर वैकेंसी एक बार निकाल दी है अपने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, तो फिर कम चांसेस है कि जो बाहर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट बचे। तो इसी मैटर को लेते हुए ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख को यानी 26 जुलाई को कोयला भवन के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स प्रदर्शन करेंगे। ये न्यूज़ में भी आया था। वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर डिप्लोमा होल्डर 26 जुलाई को BCCL मुख्यालय कोयला भवन पर प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर के एक बार मीटिंग भी ऑनलाइन किया जा चुका है, और उनका ये कहना है कि कोल कंपनियों द्वारा टाइम टू टाइम वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है, जिसके लिए उनके सामने रोजगार का समस्या उत्पन्न हो चुका है। सभी अभ्यर्थी भारी से भारी संख्या में 26 मई को पहुंचकर कोयला भवन के सामने अपील करेंगे। और पिछले दिनों डिप्लोमा होल्डर्स ने DGMS के सामने 17 फरवरी का वो डेट था जिस टाइम धरना प्रदर्शन किया गया था, और उस टाइम DGMS की ओर से ये आश्वासन दिया गया था कि 30 दिनों के अंदर वैकेंसी निकालने की बात कही थी उन्होंने। और DGMS के DG ने सभी कोल कंपनियों को वैकेंसी जारी करने के लिए और खाली पोस्ट को भरने के लिए नोटिस भी भेजा था। इसके बाद
उन्होंने ये कहा है कि डीजीएमएस की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमारा जो दायित्व था हमने उसे पूरा कर लिया, अब कोल कंपनीज के ऊपर ये निर्भर है कि वो डिपार्टमेंटली कर्मियों को भरते हैं, ओवरमैन बनाते हैं, या फिर वो अलग से वैकेंसी, एक्सटर्नल वैकेंसी निकालते हैं, ये कंपनी के ऊपर है। तो इन सब बातों को देखते हुए, डीसीसीएल का स्थिति को देखते हुए, जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 26 तारीख को यानी 26 जुलाई को कोयला भवन के सामने, बीसीसीएल मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा ताकि वैकेंसी जल्दी से जल्दी आए। तो ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा और जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन सभी के द्वारा 26 मई को कोयला भवन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। तो जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्होंने ये आह्वान किया है कि जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको उस दिन आना चाहिए ताकि वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकले और उनके सामने बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।